आज हम बात करेंगे Redmi Note 5 कैमरा की। इस कैमरे का हम पूरा जो है फुल टेस्ट मतलब आपको दिखाएंगे, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स और 3 वीडियोस भी इसके साथ दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो भी तुरंत आपको जो अपने मोबाइल नोटिफिकेशन में मिल जाए। ये जो कैमरा है Redmi Note 5, ये कैमरा का बैक साइड हमने दिखाया है। इसमें आप देख सकते हो एकदम नया पीस है, सिर्फ 2 या 3 महीने यूज़ किया हुआ पीस है, मतलब ज़्यादा पुराना पीस नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हो बैक साइड में जो बैक कवर लगा है उसके IMEI स्टिकर भी हमने आज तक निकाला नहीं है। सबसे पहले जो फ़ोटो दिया गया है वो एक पिंक कलर का एक छोटा सा फ्लावर है। ये फ्लावर का हमने एकदम बढ़िया से जो है प्राइमरी कैमरे से एक पिक्चर्स लेने की कोशिश की। आप उसमें देख सकते हो इतना ये क्लियर जो है दिखाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक दोबारा हमने इसी फ्लावर्स का एक दूसरा फ़ोटो भी खींचा कि ताकि हमें ये लगे कि नहीं, आपको लगे 2 फ़ोटो इसलिए दिखाने का कारण ये है कि ताकि आपको ये लगे कि हम जो है कितना क्लियर इसमें आ सकता है, मतलब कोई एक फ़ोटोज़ के अंदर धुंधला हो तो दूसरे फ़ोटोज़ में आपको क्लियरली दिखाई दे। लेकिन उतना क्लियर फुल जो 12 मेगापिक्सल होना चाहिए उतना इसमें क्लियरिटी नहीं दे रहा है। उसके बाद हमने एक छोटा सा और एक येलो कलर का जो फ्लावर है उसकी एक इमेज हमने तैयार की। उसके बाद हमने दूसरे एक येलो फ्लावर्स की इमेज हमने क्रिएट की। जो पहली वाली इमेज थी उससे ये दूसरी वाली इमेज जो एकदम ज़्यादा क्लियर आई। अगर इसी फोटोज़ को हम देखें तो हमने आपको कट करके उसको थोड़ा जूम करके दिखाया तो आप फ्लावर्स के अंदर भी देख सकते हो एकदम क्लियरली जो है आपको डिटेल्स टू डिटेल्स जो है उसके लिम्स वगैरह मतलब एकदम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट फोटो जो है उसमें भी हमने आपने एकदम क्लियरली दिखाने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है एकदम वाइटनेस मतलब एकदम कलरफुल जो होना चाहिए वो है। फोटोग्राफ तो एकदम क्लियर है लेकिन बैकग्राउंड भी उसके साथ साथ सही है। फिर इसी फोटोग्राफ को हमने थोड़ा और जूम करके आपको दिखाया तो आप इसमें देख सकते हो छोटे छोटे रेसे धारियाँ मतलब ये पूरी लिम्स वगैरह है जो एकदम बढ़िया से एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस फोटोग्राफ्स में काफ़ी हमें जो है रिजल्ट्स मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो येलो फ्लावर्स का जब हम फोटो ले रहे थे तो हमने साइड से एक फ़ोटो लेने की कोशिश की। आप इसमें देख सकते हो फ्लावर्स जो है उसके ऊपर जो है ऑटो फोकस नहीं हुआ है बल्कि वो ज़मीन की ओर मतलब नीचे की ओर जो है ऑटो फोकस हो चुका है। लेकिन अगर ज़मीन की ओर भी अगर आप देखोगे तो वो जो बैकग्राउंड कलर मतलब साइड कलर जो शेडो है वो थोड़ा येलो कलर आया है तो एकदम वो क्लियरली आना चाहिए जिसकी जो कि येलो दिख रहा है। फिर उसी जगह हमने दूसरा फ़ोटो लिया तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो है बैकग्राउंड मतलब जो नीचे ऑटो फोकस कर रहा है ज़मीन की ओर वो एकदम क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस कैमरे में। तो जो मेन फोकस होना चाहिए ये जो फ्लावर्स के ऊपर हमने किया तो फ्लावर्स की ओर नहीं हुआ और दूसरी जगह हुआ तो इसमें ऑटो फोकस मतलब थोड़ा सा इधर उधर हम कह सकते हैं। उसके बाद हमने एक छोटे से एक मंदिर का फ़ोटो लिया जो है जूम आउट फोटो है ये पूरा। उसके बाद इसी पिक्चर्स को हमने जूम कर दिया और उसके बाद एक जो है फोटोग्राफ्स उसी कैमरा फोटोग्राफ का एक जूम करके एक कट करके यहाँ पर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पूरा जो है मोबाइल का जूम करके उसी मंदिर का जो फ्लैग है उसी का फ़ोटो हमने दिखाने की कोशिश की है तो इतना ये क्लियरली नहीं आ रहा है क्योंकि ये 12 मेगापिक्सल कैमरा है इस मोबाइल का। उसके बाद हमने जो एक सेल्फी ली है पेड़ की छांव में है, पीछे जो है सनलाइट है तो ये फोटोग्राफ्स में भी अगर आप देखोगे तो उतना चेहरे का जो क्लियरिटी होना चाहिए उतना नहीं है क्योंकि फ्रंट में हालाँकि फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। उसके बाद हमने जो है मोबाइल को सीधा करके जो है मेन सेल्फी जो रेगुलर लेते हैं उस तरीके की सेल्फी लेने की कोशिश की तो उसी में भी वही सेम रिजल्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने एक सनलाइट में जाकर पूरा जो है सनलाइट के अंदर एक सेल्फी और खींची तो इसके अंदर जो है मुंह के ऊपर ज़्यादातर वाइटनेस यानी कि वाइट डॉट्स वगैरह जो है नॉइस वगैरह दिखने लगे इस फोटो के अंदर। तो आपने ये चारों फोटोग्राफ्स जो है अच्छे से देखे आप खुद ही समझ सकते हो कि फोटोग्राफ्स में अगर ये Redmi Note 5 की बात की जाए कैमरे में तो इसका ऑटो फोकस में थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है हमें, इधर उधर के परफेक्टली जो है ऑटो फोकस नहीं कर रहा है। उसके उपरांत अगर हमने एक चीज़ और नोट की कि दूसरे काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल से
जिसका 12 मेगापिक्सल का जो है कैमरा है, तो उसके सामने अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो ये 12 मेगापिक्सल में उतना रिजल्ट ये नहीं दे रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल LG G2 के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। LG G2 2013 में आया था, इसका फ्रंट कैमरा जो है सिर्फ 2.1 है और प्राइमरी 13 मेगापिक्सल है। इसकी सबसे पहली इमेज देखते एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का फ्लावर है, उसको भी एकदम परफेक्टली फोकस किया हुआ है। उसके बाद ये छोटा सा एक और है 1 सेंटीमीटर का पिंक कलर का फ्लावर, इसकी आप क्लियरिटी देखोगे तो एकदम बढ़िया है। ओरिजिनल इमेज से हमने छोटा इमेज करके यहाँ लगाया है, फिर भी आप देख सकते हो इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये जो येलो फ्लावर है वो रेडमी नोट 3 में भी हमने आपको दिखाया था। तो ये येलो फ्लावर और रेडमी नोट 3 का जो येलो फ्लावर था, उन दोनों में आप काफ़ी सारा अंतर देख सकते हो। और बैकग्राउंड्स में जो मतलब पिक्चर्स दिखाई दे रही है पीछे की बैकग्राउंड, वो भी आप क्लियर इसमें देख सकते हो। उसके बाद ये एक सेल्फी है जिसको हमने थोड़ा सा कट करके इसमें यहाँ पर लगाई है। ये सेल्फी भी आप देख सकते हो एकदम क्लियरली, इसमें कोई किसी भी प्रकार का वाइट डॉट्स या नॉइस, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है इसमें, एकदम क्लियर पिक्चर्स जो है सेल्फी में भी दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक फ्लैश लाइट में फ़ोटोग्राफ की। ये फ्लैश लाइट में एक छोटे बच्ची का फ़ोटोग्राफ लिया हुआ है, ये हमारी बच्ची है। इसका आप फोटोग्राफ अगर फेस भी आप देख सकते हो तो एकदम क्लियर दिख रहा है। उसको फोटो को हमने जूम करके दिखाया तो आप जूम में भी देख सकते हो कितना क्लियर दिखा रहा है। अगर इसके सामने अगर हम रेडमी की बात करें तो रेडमी का इसके सामने देखिए अगर कैमरा कुछ भी नहीं है, ये 2013 का यानी कि आज से 5 साल पहले का फ़ोन है, फिर भी ये इतना क्लियर दिख रहा है। अभी हम बात करेंगे रेडमी नोट 5 का वीडियो शूटिंग की। इसमें जो एक सामने दिख रहा है वाटर टैंक, हम इसको पूरा जो है जूम करके दिखा रहे हैं, आप जो है इसको पूरी तरह से देख सकते हो। जूम करने पर ये कितना धुंधला हो रहा है और कितना वो है हो रहा है। तो ये 700 मीटर की दूरी से जो है हमने दिखाया था, ये मक्के का पौधों है, ये पौधे भी एकदम क्लियर नहीं दिख रहे। उसके बाद जो ये मंदिर का फ़ोटो था हमने उसका भी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में देखिए ये जो है नॉर्मल फोटोग्राफ्स है, इसको हमने सेम इसी चीज़ को हमने कैमरे के अंदर दोहराया तो ये कैसा दिखता है देखिए आप। इसके फ्लैग को हमने जो है क्लियरली फोकस करके उसी को हमने जूम करके दिखाने की कोशिश की है, तो कितना धुंधला मतलब डिफोकस दिख रहा है आप देख सकते हो। उसके बाद हमने चलते चलते भी एक वीडियो बनाई, इसके अंदर सारी चीज़ें दिखाई तो देती है लेकिन ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ वगैरह है पेड़ की वो एकदम क्लियरली नहीं दिखा रही और थोड़ा वाइब्रेट भी होता है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।